आपकी याददाश्त चला गया, मुझे एक मिनट दे याद दो है। मैं देखो सीमा एक वो मरियम याद है जिसे रस्ते पे घुमाया करते थे, वो याद है। हाँ मेरी नाक से भी खून निकाला था तुमने, वो याद है। वो मेरे बच्चे महफूज नहीं है, बच्चन उनका बाप नहीं है। मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे पाकिस्तानी है, हैदर के बच्चे हैं। आपने हक खो दिया, आपने मुल्क छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। आप जही लोग कुछ लोग है, वो है दिलशाद और साजिदा। पहले उनको केयर करो, उनको ध्यान रखो, उनके उनको अच्छे से बिल्कुल पालो। मैं आप अपने कहाँ बच्चे ध्यान दे रहे हो, स्कूल का मुंह देखा है उन्होंने? और तुम बताओ, तुम जो कहते हो साजिदा की शादी नहीं हुई, क्या साजिदा का निकाह नहीं किया गया 2.5 लाख में? बोलो, बचपन में निकाह नहीं किया था उसका? मौलवी के सामने, मेरे सामने मौलवी के सामने क्या उसका निकाह नहीं हुआ था? अमीर जान ने तुम्हारे पास के गांव वाले जो बागी खान के गांव की साइड ही तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं हुआ 2.5 लाख में? तुमने कहा तुम्हारी भैंस भी बेची गई थी, तुम्हारी बेटी का भी निकाह हो गया, याद है? वो मासूम बच्ची है, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रही। मैं जो तुम्हारा नकली बाप है ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। अमीर दान जो नकली बाप है तुम्हारा, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। वो जालिम इंसान है, वो तुम्हारे बच्चों को बेच चुका है, तुम फिर भी उनके लिए हो। अगर ऐसा होता मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। कानून इंडिया का है, कोई भी कानून, कोई भी कानून, कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, कानून मेरे लिए नहीं बने। कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे हैं और हिंदुस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए हैं। मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो माँ हूँ। मेरे लिए कोई कानून नहीं बना। कौन मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक माँ से एक बच्चे छीनता है, मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून है। वो कौन सा ऐसा वकील है जो एक माँ से बच्चे छीनेगा? वो बच्चे जो एक माँ से एक मिनट एक सेकंड मेरे दूर नहीं जी सकते, वो तुम्हें भी पता है कि मेरे बगैर बच्चे एक मिनट भी नहीं रहेंगे। तुम्हें पता है, अच्छे से पता है तुम्हें। क्या बनेगा कल, कल तुम्हारी डेट हो रही तो बच्चों का क्या बनेगा बता मुझे? मौत पे जिंदगी में कोई भरोसा है बच्चों का? तुम मर गए तो बच्चों का क्या? तुम जो दावा करते तुम जिंदा रहोगे, चलो मैं भी मरना एक दिन सबको है, तुम हमेशा जिंदा रहोगे? तुम बताओ तुम्हारा कौन है वहाँ पे? कोई है तुम्हारा वहाँ पे? कौन है तुम्हारा यहाँ? मेरे सचिन है, मेरे बच्चों को संभालने के लिए। उनकी माँ, मेरी माँ है, सुमेरा है। वो माँ जो 80 साल से ऊपर है वो जिंदा रहेगी, मैं मर जाऊंगी। तुमने लिख रखा है तुम मरवाओगे मुझे, आप अकेले हो, तुम मरवाओगे मुझे। उनका कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी वारिस नहीं है। मैं हिंदुस्तान में अकेले नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हैं, तुम्हारी भूल है, पूरे भारत के लोग मेरे साथ हैं। ये जो भूल नहीं है, दे रहे हो ना, ये वो है। लोग कोई किसी के लिए 10 रुपए खर्च नहीं करता। यहाँ लोग आए दिन मेरे लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, ये प्यार है जिनको मैं जानती तक नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोगों की तरह नहीं है। देखो बच्चा मेरी बिल्कुल नहीं है, अल्लाह करे आपको लोग बंगला दे, गाड़ी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहो। मगर बच्चियों का वारिस मैं हूँ, बाप हूँ, ये याद रखना। बच्चों के वारिस मैं हूँ, बच्चों के वारिस सीमा है। मैं उनकी माँ भी हूँ, मैं उनकी बाप भी हूँ, और आज का बाप इनका सिर्फ सचिन है। ये अदालत करेगा, तुमने गलत किया इसका सजा आपको आएगा, ये याद रखना। कि हैदर मुझे छोड़ेगा ये आप ख्वाब में भी, आप जो है ना आपको नींद से भी आपको पता चलेगा कि हैदर हैदर है। हैदर मेरे बाल को भी यूं खींच नहीं सकता, वो पाकिस्तान था जब घसीट घसीट के मारते थे। मैं ऐसा ये हिंदुस्तान है, कानूनी लीगल, जो भी लीगल लीगल कानूनी कानूनी तरीके से आप जो इलीगल गए हो, चोरों की तरह घुस के बैठ गए हो, है ना? मैं जो भी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, देर हुआ बच्चों के लिए कितना फिक्र, आपको पता है मुझे रात को नींद नहीं आता। सीमा फरहान खान, फरवा बतूल और फरिया बतूल मेरे से लगते जिगर तुमने अलग किया, मेरे एतमाद को तुमने ठेस पहुंचाया। सोचो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा, तुम्हारे साथ ही कब से तुमसे अलग किया ईश्वर को, भगवान को, तुम्हारे साथ ही कब से तुमसे अलग किया, माफ नहीं करेगा। आपने एक बाप का दिल दुखाया है, पता है आपको? मैं तुम्हारे साथ ही कब थे वह, तो अलग ही थे तुमसे। हम तो तुमसे 4 साल से मिले भी नहीं, मुनीम तुम्हें देखा भी नहीं। अभी भी आप क्या कहते हो, 4 साल हैदर छोड़ के चला गया था। अरे लानत है उन बातों पे जो तू ऐसी बातें करते है। आपको पता नहीं हैदर किस लिए गया था? बच्चों के लिए क्या था ना, बच्चों के लिए, आपके लिए प्रेजेंट था आप। हाँ आप एक बात की सच्चाई करती शायद मैं समझता था कि वाकई तुम खुशी से रह रहे हो। आप झूठ बोले जा रहे हो ना, तभी मुझे डाउट होता है।
सोचो कुछ कुछ भी इंसान है, बाकी भी सोचो, जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है बच्चों की जिंदगी, अपने लिए लाइफ स्टाइल खराब नहीं करो बच्चों का। आप गलत थे, गलत हो और गलत रहोगे, ये याद रखना। बच्चों की जिंदगी आपके कहने से मैं गलत नहीं हो सकती, आपके कहने से मैं कुछ भी नहीं हो सकती, जो मैं हूँ मुझे पता है, बहुत खुश हूँ। ऐसे मतलब ये चाहते हैं, मतलब लोग मुझे इस तरह से ये साबित करना चाहते हैं मैं दुखी हूँ ना, जबरदस्ती मुझे परेशान दुखी कर सकते हो क्या? वहाँ कई बकवास यूट्यूबर की बातों में जो मुझसे छन्नी लगाते हैं, कभी मेरे भैया को, कभी मुझे बाघा बॉर्डर पहुंचाते हैं, कभी मुझे कहते हैं भाग गई, कभी कहते हैं मर गई। मुझे कई बार तो इन्होंने लास्ट मंथ के लेटर दिखाया है, क्या वो मैं मर चुकी हूँ? इनके कहने से तो कुछ हो सकता है। चार दिन आपको पहले मार पड़ी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें हैं मेरे पास, किसने कहा है आपको बताओ? वीडियो मैं आपके पास शेयर कर दूँ, एक मिनट सिर्फ देखो, मैं दूसरी मोबाइल में ऐसे आपको दिखाऊंगा। तुम तो पता है मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ मैं, दोनों मोबाइलों में नहीं है, इस मोबाइल में है। तो एक मिनट दो, दोबारा मैं आता हूँ, तू अपना चेहरा देख, अगर तुम नहीं है तो फिर मैं जुर्मदार। ये मुझे फिक्र रहता है आप लोगों का, बच्चों का, मुझे हर वक्त मर भी चुकी थी ना, अपनी मेरी आंखें बंद में मर चुकी हूँ, तो मैं फिर मैं जिंदा कहाँ से हो गई? लाइव दिखाओ, हकीकत वाला फोटो दिखाओ कि हाँ मुझे मार पड़ रही है। मार पड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी जिंदगी जियो, अपने पहले बच्चे, पहले सब चीजें संभालो, हम बहुत खुश है, हमारी चिंता करना छोड़ दो। और तुम जो ये चक्कर में पड़े हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कोई भी कानून, कोई भी वकील, कोई भी इंसान एक माँ से बच्चे नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा, न छीन सकता है। मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे और मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी, ये आपको पता है। दुनिया में जानते हैं कोई बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता है ना। इनका ये एपी सिंह हो, नितरपाल हो, ये जो सचिन है, इसका पर्दाफाश होने वाला है काली कोठी से, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। पत्नी को मारा नहीं जाता, यहाँ दो दो शादी नहीं होती, यहाँ मारा पीटा नहीं जाता, यहाँ जुल्म नहीं होता, यहाँ भाई होता है, पत्नी एक ही होती है, मारा नहीं जाता। यही तो हैरानगी है, मेरे बच्चों पे क्यों जुल्म कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर क्यों नजर? जो बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास है, मेरे बच्चे मेरे पास है, वो बहुत खुश है। तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे बच्चे अब हैदर के बच्चे हैं। तुमने बच्चों का हक खो चुका है, आपको पता है। चलो आप भी, आप जो जो करना है कर लो, बट मुझे पता है कि कोई भी कानून माँ के बच्चे नहीं छीनेगा, और तुम अपनी खुशी अपने आप तक रखो, तुम्हारी खुशी तुम तक ही रहेगी। आपने जो गलती की उसका सजा आपको मिल रहा है, आपने जो गलती की उसका सजा आपको मिल रहा है। जो भी करेंगे, अदालत करेगा, अवाम करेगा, इंडिया का अवाम, इंडिया के बहन भाई, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो है ना, इंसानियत अभी भी जिंदा है। सीमा हैदर गरीब था, तुमने छोड़ा ना, तुमने सोचा कि चलो मैं चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा, मुझे, मैं पुरसकून हूँ, अल्लाह की कसम है ना, मैं पुरसकून हूँ। आज भी देखो अच्छे रिश्ते, बहन भाई तमाम इंडिया से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इज्जत मिल रहा है ना, वो आपकी सोच से भी बाहर है। अच्छा। बच्चे देखो, बच्चे भी लाऊंगा अपने गोद में, आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास होंगे, आप गिड़गिड़ाओगे, हैदर मैं हैदर हूँ, मैं माफ करूंगा, मैं कहूंगा चलो बात